हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं थर्ड और जिसका नाम है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में आज हम SPDF जो ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे S ब्लॉक। आवर्त सारणी में याद रखना SPDF चार ब्लॉक होते हैं। आज हम S ब्लॉक है वो पढ़ेंगे, वो शुरू करेंगे। तो S ब्लॉक, जैसे पहले मैं यहां आपके सामने बना रहा हूं, याद रखना S ब्लॉक। यहां हाइड्रोजन, यहां लिथियम, Li है ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम और ये फ्रांशियम। इस प्रकार से हम इसे यूं बना देते हैं, ये बन गया वर्ण। ऊपर से नीचे की ओर जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं आवर्त सारणी, उन्हें वर्ग कहा जाता है। तो हमने ये पहला वर्ग है वो बना लिया, और अब हम दूसरे वर्ग की यहां बात करेंगे। लेकिन पहले हम पहले वर्ग की ही बात कर लेते हैं। पहले वर्ग में ये हाइड्रोजन है। पहले वर्ग में आपके सामने हाइड्रोजन मैंने लिखा है सबसे ऊपर, हाइड्रोजन। तो याद रखना हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इस प्रकार से आप इनको याद रखना है। और ये हो गया फर्स्ट वर्ग। कौन सा वर्ग हो गया ये? प्रथम वर्ग हो गया ये, फर्स्ट ग्रुप हो गया ये। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इस प्रकार से ध्यान देना। और यहां इनके नजदीकी इस साइड में यहां दूसरा वर्ग होता है, सेकंड वर्ग होता है। यहां बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, SR स्ट्रॉन्शियम, BA बेरियम और RA रेडियम। आपको यहां यह ध्यान में रखना है कि जैसे यहां देखिए, यहां BE है, BE को आप बोलोगे बेरिलियम, और यहां BA है, इससे आप बोलोगे बेरियम, बेरियम और ये बेरिलियम, ये बेरिलियम और ये बेरियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम आपको ध्यान में रखने हैं। इस प्रकार से ये सेकंड वर्ग कहलाता है। कौन सा? फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड दो एस ब्लॉक में शामिल होते हैं। कहने का अर्थ एस ब्लॉक में दो वर्ग आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब इनको ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं इनके परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका, कि आप पहले तरीका यूं बताऊंगा कि ऊपर से नीचे वर्ग अनुसार आप कैसे याद रखोगे। पहले बता देता हूं, फर्स्ट जो वर्ग है उसमें सबसे पहले कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन आ गया। दूसरा लिथियम, तो यहां हम लिथियम लिखते हैं, दूसरा लिथियम है। उसके बाद में तीसरा सोडियम है। कौन है? सोडियम है, सोडियम हम लिख देंगे। उसके बाद में पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम है, तो पोटेशियम हम यहां इस प्रकार से यू लिख देंगे। उसके बाद में रुबिडियम, तो रुबिडियम इस प्रकार से लिख देंगे, रुबिडियम। आप ध्यान में रखना, मैं केवल प्रथम वर्ग वाले तत्व हैं उनके नाम लिख रहा हूं। फिर CS सीजियम, याद रखना थोड़ा C बड़ा होता है पैरों में, S छोटा होता है, है तो दोनों कैपिटल रूप में लेकिन छोटे रूप में लिखते हैं थोड़ा S। सीजियम, तो यहां आप सीजियम लिखोगे इस प्रकार से, सीजियम। उसके बाद में FR आप लिखोगे फ्रांशियम, तो FR फ्रांशियम इस प्रकार से लिखोगे, फ्रांशियम, फ्रांशियम, फ्रांशियम आप इस प्रकार से लिखोगे। पहले वर्ग में ध्यान देना, आप ऊपर से नीचे याद करोगे तो इन इनके हिसाब से हमें याद करने का तरीका है वो भी याद रखना है। आप बोलोगे है लीना, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, तो
तो आप याद रखोगे है, फिर उसके बाद में ली और ना और की और रब और से फरियाद है, लीना की रब से फरियाद। ये तो हमें याद रखने का तरीका बताया गया है, आप इनको इस तरीके से याद रखना। प्रथम वर्ग में हमने ट्रिक लिखी है, तत्वों के नाम लिखे हैं, और अब हम मेन बात इनके परमाणु क्रमांक ऊपर से नीचे वर्ग में कैसे याद रखोगे। हमें इनको वर्ग के अनुसार याद करना है, दोनों वर्गों को, एस ब्लॉक वालों को। एस ब्लॉक हमारा दो वर्ग होते हैं, एस ब्लॉक में दोनों को आप इस प्रकार से यूं याद करोगे। यहां आप याद रखना, मैं एक संख्या लिख रहा हूं, जैसे यहां दो लगा दू, यहां आठ लगा दू, लिथियम के सामने दो लगा देता हूं, सोडियम के सामने आठ, पोटेशियम के सामने फिर आठ लगा देता हूं, रुबिडियम के सामने याद रखना 18, सीजियम के सामने भी 18 और फ्रांसियम के सामने 32 लगा देता हूं। आपको इतनी संख्या याद रखनी है। यहां हाइड्रोजन वाले के सीट में क्यों नहीं लिखा मैंने, इसलिए हमें पता ही है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में एक नंबर पर आता है, हमें याद रहता है हमेशा। तो हाइड्रोजन तो एक नंबर पर हो गया, उसके बाद नीचे वाले में आप 2, 8, 8, 18, 18, 32 साइड में लिख लीजिए याद रखने के लिए, साइड में लिख लीजिए याद रखने के लिए। अब आप यूं कीजिए, इनका परमाणु क्रमांक बनाने के लिए इस एक को इस दो में जोड़िए, इस एक को इस दो में, तो तीन हो जाएगा। तीन यहां लिख देता हूं, कहीं बात तीन यहां लिख देता हूं, हालांकि मैं सोच रहा हूं कि आपको कम दिख रहा है, लेकिन छोटा लिखा गया, कोई बात नहीं। दो में आप एक जोड़िए, तीन हो गया। अब तीन में आप आठ जोड़िए, 11 हो गया। 11 में आप आठ जोड़िए, 19 हो गया। 19 में आप आठ जोड़िए, 37 हो गया, 37। और 37 में 18 जोड़िए, 55 हो गया, 55। और 55 में 32 जोड़िए, तो ये 87 हो गया। सुनिए, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमें याद रहता है कि हाइड्रोजन एक नंबर पर आता है, हमने एक लगा दिया इसके आगे यहां। अब हमने एक संख्या लिखी, वो आपको याद रखनी है कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, और वो इस लिथियम के सामने शुरू करनी है आपको, फिर उनको जोड़ना है इस एक परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन वाले को इस दो में जोड़िए तो तीन बन गया लिथियम का, फिर लिथियम के तीन को आठ में जोड़िए तो 11 बन गया पोटेशियम का, पोटेशियम के 11 को आप आठ में जोड़िए तो 19 बन गया आपके सोडियम के बाद में, 19 बन गया पोटेशियम का। हाइड्रोजन का एक दो जोड़ा इसमें तो तीन लिथियम का, लिथियम के तीन में आपने आठ जोड़ा तो 11 बन गया सोडियम का, और सोडियम के आठ में आपने, सोडियम के 11 में आपने आठ जोड़ा तो 19 बन गया पोटेशियम का, पोटेशियम के 19 में आपने 18 जोड़ा तो बन गया रूबीडियम का 37, और रूबीडियम के 37 में आपने फिर 18 जोड़ा तो सीजियम का 55 बन गया, 55, और 55 सीजियम वाले में आपने 32 जोड़े तो 87 फ्रांसियम का बन गया। इस प्रकार से पहले वर्ग का परमाणु क्रमांक तैयार हो गया। अब जस्ट आगे वाले हैं तो बढ़ाकर लिख देंगे, जैसे लिथियम 3 तो बेरिलियम 4 हो जाएगा, सोडियम 11 तो मैग्नीशियम 12 हो जाएगा, पोटेशियम 19 तो कैल्शियम 20 हो जाएगा, रुबिडियम 37 तो स्ट्रॉनशियम 38 हो जाएगा, सीजियम 55 तो याद रखना बेरियम 56 हो जाएगा, और फ्रांसियम 87 तो रेडियम 88 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रथम और द्वितीय वर्ग के परमाणु क्रमांक हमने लिख लिए। तो अगर आपने पहले वर्ग में 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ दिए तो पहले वर्ग का परमाणु क्रमांक और पहले वर्ग से दूसरे वर्ग का परमाणु क्रमांक तैयार हो जाएगा, और फिर ये आपको पहले वर्ग वालों के नाम है, लीना की रब से फरियाद आपको याद रखना है। इसी प्रकार हम दूसरे वर्ग की बात करें, दूसरे में है बेरिलियम, कौन है दूसरे में बेरिलियम, मैं यहां लिख रहा हूं, दूसरे में है बेरिलियम, कौन है बेरिलियम, आप लिखोगे बेरिलियम, फिर है एमजी मैग्नीशियम, एमजी कौन है मैग्नीशियम, आप मैग्नीशियम इस प्रकार से यहां लिख दोगे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद फिर सीए, सीए को बोलते हैं कैल्शियम, क्या बोलते हैं सीए को कैल्शियम बोलते हैं, तो आप यहां कैल्शियम लिखोगे,
और कैल्शियम के नीचे देखना एस आर दिया है, एस आर को बोलते हैं स्ट्रोंशियम, एस आर को स्ट्रोंशियम बोलते हैं। तो आप इस प्रकार से स्ट्रोंशियम नाम लिख देना स्ट्रोंशियम। और फिर बी ए ये हो गया बेरियम, ये क्या हो गया बेरियम, ये बेरियम हो गया। बेरियम आप लिखोगे बी ए को, और आर ए को लिखोगे आप रेडियम, आर ए को आप क्या लिखोगे रेडियम, रेडियम लिखोगे इस प्रकार से। अब हम सामान्य सी और इनको भी याद रखने के ट्रिक बना देते हैं। यहां बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस प्रकार से आप बस याद रखने की ट्रिक है, वो बस याद कर लेना आप, हमें तो ये याद होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से याद करें। तो यहां लिख देता हूं जैसे बेटा, यहां लिख देता हूं मांगे, दूसरी वाली में बेटा मांगे, बेटा मांगे, या फिर यहां कर देता हूं आपको समझाने के लिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस प्रकार से ये ट्रिक आप याद करना और इनके नाम याद करना, और परमाणु क्रमांक हम ज्ञात कर चुके किस प्रकार से लिखोगे। अब थोड़ा सा इस पर एस ब्लॉक पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन्हें एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है। आप इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा एस उपकोष में जाकर समाप्त होगा, तब इनको एस ब्लॉक में रखा गया है। दूसरे शब्दों में यूं बोल दूं कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में पूरा होता है जाकर के, उनको एस ब्लॉक में रख दिया गया है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाकर पूरा होता है इनको पी ब्लॉक में रख दिया गया है। अगर आप एस ब्लॉक वाले का चेक करना चाहते हो किसी का, तो किसी का विन्यास आप लिख लीजिए और आप देखोगे कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाकर पूरा होता है, तभी इनको एस ब्लॉक में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम की, तो आप जानते हो सोडियम 11 नंबर पर है, तो इस प्रकार से आप सोडियम का विन्यास लिखोगे तो क्या बनेगा 1s2 2s2। ये लिखने का तरीका मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि कैसे लिखा जाता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु क्रमांक जिसका जितना होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 11 इलेक्ट्रॉन ऊपर लग गए, 2 और 2 4 और 6 10 10 और 1 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन हमें इस प्रकार से पूरे करने हैं। ये मैं लिखने का तरीका पीछे बता चुका हूं, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा और वो तरीका देखिएगा। और अब देखिए इसमें सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाकर समाप्त हो रहा है, 3s, s कक्षक में जाकर समाप्त हो रहा है, s में 1 आ रहा है, s में समाप्त हो रहा है, तो ये तत्व आपको s ब्लॉक में मिलेगा। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जाकर भरा जा रहा है, समाप्त हो रहा है, वो सारे के सारे एलिमेंट एस ब्लॉक वाले होंगे। आप किसी का भी चेक कर लेना, सारों के अंत में, सभी के अंत में आपको एस मिलेगा, और एस में जाकर कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, यानी एस से और आगे नहीं आएगा इनके विन्यास में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आप और चेक करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कैल्शियम 20 की बात कर लेते हैं, कैल्शियम 20 की बात कर लेते हैं, तो कैल्शियम आप 20 की बात करोगे तो यहां कैल्शियम 20 नंबर लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 4s2 आ जाएगा। याद रखना ये मैंने कैल्शियम दूसरे वर्ग का लिया है, तो दूसरे वर्ग का लिया है तो इसके संयोजी कोष में आपको 2 मिलेंगे, और पहले वाले जो लिखे फर्स्ट वर्ग के उनके संयोजी कोष में आपको 1 मिलेगा। और यहां देखिए 20 इलेक्ट्रॉन पूरे करने कैल्शियम के, तो 2 और 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20, तो कैल्शियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एस उपकोष में आ रहा है, एस में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम तो
एस ब्लॉक का तत्व होता है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाकर समाप्त हो रहा है, तो फिर कैल्शियम एस ब्लॉक का होगा। और एक और याद रखना है वो अभी कि इन तत्वों को है लेना कि रब से फरियाद, इनके अंतिम कोश में आपको यहां एक एक मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ग में आते हैं, फर्स्ट वर्ग वाले तत्वों के संयोजी कोश में यहां एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और दूसरे वर्ग के तत्वों के संयोजी कोश में यहां दो दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये भी आपको याद रखना है, प्रथम वर्ग वालों में यहां एक मिलेगा, द्वितीय वर्ग वालों में यहां दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस प्रकार से ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये बता चुका हूं कि इनमें से किसी का विन्यास आप लिखोगे तो इस प्रकार से एस उपकोष लास्ट में आएगा, अर्थात विन्यास एस उपकोष में जाकर समाप्त होगा, तो मैं कहूंगा कि वो तत्व एस ब्लॉक का है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। और थोड़ी सामान्य बात और करें तो प्रथम वर्ग की जो धातुएं हैं इनको क्षार धातुएं कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन तो गैसीय अवस्था में होती है, बाकी सारी धातुएं होती है नीचे तक, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, और फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जो प्रकृति में विकिरणों का उत्सर्जन करके सबतः नष्ट होते रहते हैं, तो उन्हें रेडियो एक्टिव कहा जाता है। तो प्रथम वर्ग में फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व है, याद रखना। और इसमें इन प्रथम वर्ग वाले तत्वों को सारों को क्षार धातुएं कहा जाता है, क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके क्षार धातुएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके पानी के साथ क्रिया करके क्षार का निर्माण करती हैं, कोष्ठक बनाती हैं, कोष्ठक को हम क्षार कहते हैं। तो याद रखना कि ये जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाती हैं, इसलिए इन्हें क्षार धातुएं कहा जाता है। तो प्रथम वर्ग को क्षार धातुएं बोलते हैं, दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। दूसरे वर्ग वाली धातुएं याद रखना मिट्टी में मिलती है, मिट्टी में पाई जाती है, तो क्षारीय मृदा धातुएं हो गई। और इनके ऑक्साइड ये मिट्टी में मिलती है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। वो अभी ऑक्साइड क्या है, हाइड्राइड क्या है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताऊंगा आपको रिएक्शन के माध्यम से। तो ये क्षारीय ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। ये मृदा मिट्टी में पाई जाती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइडों का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। और प्रथम वर्ग में याद रखना सोडियम और पोटेशियम की बात करूं तो प्रथम वर्ग में सोडियम और पोटेशियम मुलायम होती है, पनीर की तरह होती है, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम पनीर की तरह मुलायम होती है, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और प्रथम वर्ग में सीजियम, सीजियम एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। अगर हम सीजियम को अपनी हथेली पर रख लें तो आप जानते हो मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हमारी हथेली पर यह सीजियम पिघलना शुरू कर देती है, गलना शुरू कर देती है, तो इसका मतलब इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। जो कम ताप पर ही पिघलना शुरू कर दे, गलना शुरू कर दे, हम उसे उसका गलनांक बोलते हैं। तो सीजियम इस वर्ग में, सीजियम एकमात्र ऐसी धातु है इस वर्ग में जिसका गलनांक सभी धातुओं में कम होता है, इसलिए सीजियम हमारे हाथ की हथेली पर अर्थात हमारे शरीर के तापमान पर भी सीजियम पिघलना या गलना प्रारंभ कर देती है, तो सीजियम का इस वर्ग में गलनांक सबसे कम होता है। और इधर दूसरे वर्ग में बात करूं, दूसरे वर्ग में ये रेडियम है नीचे दी हुई। रेडियम सबसे चमकीली धातु होती है, रेडियम सबसे चमकीली धातु होती है, और मोटर गाड़ियों की जो नंबर प्लेट है उस पर जो नंबर लिखे होते हैं और वो रात के अंधेरे में चमकते हैं वो रेडियम धातु से लिखे होते हैं, वो रेडियम धातु से लिखे होते हैं। रेडियम धातु बहुत अधिक चमकीली होती है, तो मोटर गाड़ियों में और व्हीकल्स में जो प्लेट के नंबर हैं वो नंबर रेडियम धातु के साथ लिखे होते हैं, जिससे वो हमें रात के अंधेरे में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो रेडियम धातु सभी धातुओं में सबसे अधिक चमकीली धातु होती है। तो ये सामान्य सी बातें आप एस ब्लॉक के बारे में याद रखना।